राजधानी में रेलवे की पटरी समेत कई सामान चोरी करने वाले गैंग के सरगना को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मंदिर हसौद थाना क्षेत्र में आरोपी को जबलपुर आरपीएफ से प्रोडक्शन वारंट पर रायपुर लेकर आया गया है। मंदिर हसौद में कई करोड़ों की चोरी में ये शामिल था। इसी सिलसिले में इससे पूछताछ की जाएगी और साथ ही पुलिस आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर भेजेगी। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी विनोद मराठा ने पटरियों को चोरी कर इस्पात इंडिया और हिंदुस्तान क्वाइल लिमिटेड कंपनी में बेचना स्वीकार किया है। आरोपी विनोद मराठा को जबलपुर से आरपीएफ की टीम ने गिरफ्तार किया था। आरपीएफ ने पहले विनोद मराठा को गिरफ्तार किया था और मंदिर हसौद थाने में भी वर्ष 2019 में इसमें पटरी चोरी का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। रायपुर महासमुंद रेलवे लाइन में जो सेकेंड लाइन बिछाने का काम चल रहा था उसमें से कुछ पटरियां चोरी हुई थी, उसमें एफआईआर किया गया था। उसमें विनोद मराठा की भी संलिप्तता सामने आई है। उसको हम प्रोडक्शन वारंट में जबलपुर से लेके आए हैं और पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ के बाद जो तथ्य आएंगे उसके हिसाब से आगे की कार्यवाही की जाएगी। इंदौर सागर की